नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने एसपीओ और उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी। हमले में बेटी गंभीर रूप से जख्मी हुई है, उसे अनंतनाग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान छेड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 10:15 बजे स्वचालित हथियार से लैस आतंकियों का एक दल हरिपरी गांव में दाखिल हुआ। आतंकी ने एसपीओ फयाज अहमद के मकान की निशानदेही की और जबरन उनके मकान में घुस गए। फयाज उस समय अपनी बीवी और बेटी के पास बैठे हुए थे। आतंकियों ने देखते ही गोली बरसा दी। फयाज अहमद, उनकी पत्नी राजा बेगम और बेटी रफीका गंभीर घायल हो गए। तीनों को मृत समझकर आतंकी वहां से भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।